बंदे मातरम सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो दोस्तों, आज हमारे वर्डी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज सुबह सुबह सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और एक प्यारा सा नमस्कार। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को मतलब सुबह की शुरुआत करते हैं। और वैसे तो हमारी मशीनें, हमने सारी मशीनें चला ली है, इधर भी चल पड़ी हैं और देखिए उधर भी चल पड़ी है और वो भी मशीन चल रही है, हमारी तो मशीन चल रही है फिलहाल। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि आप लोगों को जानकारी बताएंगे और जानकारी जो भी होगी देखते हैं आज जानकारी आज क्या बतानी है आप लोगों को। तो आज जानकारी बताएंगे आप लोगों को, मेरे ख्याल से बढ़िया जानकारी आज बता देंगे, क्योंकि जानकारी में जो भी आएगी आप लोगों को बताते रहते दिखाते रहते, क्योंकि हमें अभी इस वक्त हमें चाय का टाइम के बाद का टाइम है। तो अभी हमारा ये मुद्दा इधर देखिए ये मुद्दा तैयार हो गया है और आप भी हमारे साथ में देखिए उधर सारे मुद्दे रेडी तैयार होकर रखे गए हैं। तो सारे मुद्दे हमने अभी रखना है, उसके बाद चलिए पहले हम मुद्दों का काम कर लेते हैं, मुद्दे सारे निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ एक थोड़ी सारा बाहर निकालेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं किसी जानकारी। चलिए दोस्तों हम अटेंडम करने की पूरी प्रक्रिया दिखा देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम डिज़ाइन लोड कराते हैं। तो डिज़ाइन लोड करा के कैसे अटेंडम कराते हैं और कैसे डबल बाजू बनता है या डबल पल्ला बनता है, तो उसके पहले सबसे पहले हम डिज़ाइन लोड कराते हैं। डिज़ाइन लोड कराने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आएँगे यहाँ पीस पर। पीस पर आने के बाद हम क्या करेंगे कि पहले देखिए फाइल में गए, फाइल में से हम आ गए जो हमें डिज़ाइन लोड कराना है उस डिज़ाइन पर। तो हमें डबल 143 का हमें कराना है, तो हम वहाँ जा कर देख लेते हैं, हमें ये मिल गया यहाँ पर। तो हम इसको क्या करते हैं कि लोड करा लेते हैं। ये देखिए आपके सामने हमने लोड करा लिया इसको। अब हम यहाँ से आके इसके नंबर देख लेते हैं, नंबर भी हमारा ओके। हम यहाँ से आके इसका ये अपना जो फिटर होता है फिटर चेक कर लेते। तो यहाँ तो हमारा 5 और 7 लगा हुआ है, लेकिन हमारा यहाँ पर 4 और 5 लगा हुआ है। तो हम इसको यहाँ चेंज कर लेते हैं। यहाँ चेंज करने के बाद देखिए, चलिए दोस्तों यहाँ हम चेंज करके आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने चेंज करके लगा लिया है 4 नंबर। ये देखिए दोस्तों हम 4 नंबर लगा लिए। अब हमें करना क्या है कि अब हमें कटाई नहीं चलानी, एक नंबर नहीं चलाना है। तो इसके स्थान पर हम क्या करते हैं कि यही 4 नंबर डाल देते हैं इसके स्थान पर। अब वो कैसे डालते हैं वो हम आप लोगों को बताते हैं। यहाँ से वेटिंग फिटर में जाएंगे, वेटिंग फिटर में जाने के बाद हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे जाने के बाद हम इसको ओके करेंगे। जब इसको ओके करेंगे तो यहाँ ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ से हमने 4 नंबर भर देना है। ये 4 नंबर हमने भर लिया, भरने के बाद हम ओके करेंगे तो हमारा फिल हो गया। तो अब इसमें क्या होगा कि कटाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही आपने कटाई डालेगी और यही पीस बनाएगी। लेकिन अपने धागे के हिसाब से आप लोग देख के बनाइएगा, हम अपने धागे के हिसाब से बना रहे हैं। तो हमारा 2 तार चल, टोटल 3 तार यहाँ चल रहा था, 3 तार चल रहा था। तो जो ये मैचिंग का धागा है ये भी ऐसा ही धागा है, कुछ ऐसा ही धागा है। तो हमने इसकी ही कटाई डाल दिया, इसके स्थान पर इसकी कटाई डाल दिया और यहाँ पर 1 नंबर फिटर हमारे पास कोई नहीं है। तो अब हमें करना क्या है कि अटेंडम लगाना है। तो चलिए दोस्तों ये तो हम आपको सारी प्रक्रिया है तो दिखा दिए, इससे बाहर आ जाते हैं। यहाँ से हम करके फिर इससे हम बाहर आ जाते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अटेंडम करते हैं। अटेंडम करने की प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले हम ये 0 प्रेस करेंगे। 0 प्रेस करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर ओपन और ये लिखा हुआ है, तो हमें 2 भरना है अपने बेड के हिसाब से। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 भर देंगे और ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंटरवल 25 लगा हुआ है और यहाँ पर बेड जो दिखा रहा है 311 का दिखा रहा है। तो हमने करना क्या है कि सबसे पहले क्या करना है कि हमें 2 भरना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएँगे, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आएँगे, जहाँ 1 है वहाँ पर 2 कर देते हैं। जैसे ही हम 2 करेंगे आप लोगों के सामने, जैसे ही 2 करेंगे हमें यहाँ ऑप्शन मिल गया। तो हमें यहाँ ऑप्शन मिल गया, तो पहले हम इस ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे सारे फिटर आ गए, हम इस ऑप्शन, अब यहाँ पर एक ऑप्शन और आ गया। अब हम आ जाते हैं इस ऑप्शन पर, इस ऑप्शन पर आने के बाद हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे कि कौन सा फिटर हमें चाहिए, हम कौन सा फिटर भरेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ 3 नंबर फिटर पड़ा हुआ है, तो हम 3 नंबर फिटर भर देते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको इंटर करेंगे, इसको इंटर करेंगे तो कुछ ऐसा ऑप्शन खुलेगा और इसके ऑप्शन के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से 3 नंबर भर देंगे। 3 नंबर भरने के बाद हमने इसको प्रेस करेंगे तो ये 3 नंबर फिल हो गया। इसके बाद हमें यहाँ क्या क्या करना है कि अब देखेंगे कि हमें मैचिंग के लिए फिटर कौन सा लगेगा जो 4 नंबर के पास लगा हुआ है। तो 4 नंबर के पास हमें मैचिंग का फिटर लगाना, तो हम वहाँ देखिए हमारा 6 नंबर दिख रहा है, हम 6 नंबर लगा लेंगे। अगर 6 नहीं लगाना चाहते हैं, कोई और फिटर लगाना चाहते हैं, जैसे हमारा जो फिटर सही हुआ हम वो लगाना चाहते हैं, तो हमने 5 नंबर लगा लेते हैं, क्योंकि 5 नंबर 6 नंबर जो भी होगा कर लेते हैं। और एक बात यहाँ और देखनी होगी कि यहाँ 5 नंबर लगा हुआ है, तो यहाँ भी 5 नंबर लगा हुआ है और वहाँ भी 5 नंबर है, तो वो 5 नहीं होगा दोस्तों। वो यहाँ पर क्या होगा कि सेम फिटर लगाने के 1 2 3 4 5 5 नंबर उधर भी है, तो उसको लगाने के लिए हमने यहाँ पर क्या करना होगा
कि ये देखिए दोस्तों, हम भरेंगे यहाँ पर अभी, देखिए आप लोगों के सामने इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हमने यहाँ पर भरेंगे 5 नंबर। अब 5 नंबर भरेंगे, 5 नंबर तो उठाएगी, लेकिन अब यहाँ क्या है कि जहाँ पर 1 नंबर भरा हुआ है वहाँ पर क्या भरें, तो वहाँ पर हम क्या भरें, दिक्कत हमारे लिए ये है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अब कोई अलग सा डिजिट दे देते हैं, कोई अलग सा इसके स्थान पर भर देते हैं, जो कि ये उठा के इसी फिटर को उठाए। तो अब हमें दिक्कत यहाँ पर आएगी कि हम तो यहाँ 5 भर दिया, अब यहाँ पर क्या भरें, जैसे कि यहाँ पर 2 ही फिटर है, तो 2 फिटर चले तो वहाँ भी 2 फिटर चले। तो अब हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे कि अब देखिए, हम आप लोगों को गिनती करा दे रहे हैं, गिनती कराएंगे। सबसे आसान तरीका बताए थे पहले वाली वीडियो में, 11, 12, 13, 14 और 15 नंबर। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 15 भर देना है। यहाँ पर हम आएंगे, इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ प्रेस किया और यहाँ पर आने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर 15 भर देना, बड़े आसानी से फील हो जाएगा। यहाँ 5 हो गया, यहाँ 15 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ये 5 नंबर हम भरे हैं और यहाँ भी 5 नंबर है, तो दोनों 5 नंबर है और यहाँ पर 25 है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 25 है तो यहाँ पर ये फिटर नहीं उठाएगी, मिस करके चली जाएगी। तो हमने क्या करना है कि इस इंटरवल की जगह पर हमने 50 से ऊपर, मान लीजिए जैसे हम 52 भर दिए, यानी 52 भर दिए, तो इंटरवल हमारा 52 का हो गया। 52 भरने के बाद हम वापस आ जाते हैं। यही सारी प्रक्रिया है जो कि आप लोगों को हम बता दिए, और आप लोग यहाँ समझ गए होंगे कि कैसे कैसे हमने क्या किया है। और चलेगी तो हम अब वापस आ जाते हैं, मशीन को दिखाएंगे, चलेगी तो हमारा 2 फिटर यहाँ चलेगा, जिससे साथ में कटाई भी पड़ेगा, और 2 फिटर यहाँ से भी चलेगा और साथ में कटाई भी पड़ेगा। इतना कुछ करने के बाद दोस्तों, हम अपना निडिल पोज देख लेते हैं कि पहले हमारा कितना निडिल पोज चल रहा था, अभी कितना चला। तो अभी हमारा 80 चल रहा, तो हमने क्या करना, पहले वाले स्थान पर ले आना है। तो पहले हमारा यहाँ पर था 30, तो हमने क्या करना है, यहाँ 80 की जगह हमने क्या कर देना, 30 भर देना। 30 यहाँ पर हम फील कर दिए, यहाँ पर 30 हम भर दिए हैं, और निडिल पोज हमारा 30 से ही चलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम आगे भी दिखाते हैं आप लोगों को, जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपना सारा धागा ले आए हैं, वो धागा यहाँ पर, ये धागा है, इसको हम बांध लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं अभी। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर, ये देखिए, ऐसे यहाँ पर भर के चला भी दिया है, और यहाँ पर हमें कोई कटाई की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और एक बात और है, हमने यहाँ से ऐसे इसको चलाया है और यहाँ भी कोई कटाई की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये देखिए, हमें यहाँ पर 2 ही फिटर यहाँ दिख रहे हैं, उधर भी कोई फिटर नहीं है, 2 ही फिटर यहाँ भी दिख रहे हैं, इधर भी कोई फिटर कटाई का नहीं है। तो ऐसे आप बिना कटाई लगाए, अगर आपका धागा कटाई जैसा ही है, अगर कटाई नहीं लगाना चाहते, तो आप ऐसे चला सकते हैं। और इससे क्या होता है, जब कटाई बार बार रोलर में लपेटती है तो वो लपेटेगी नहीं। पर ध्यान रहे, आप चलाएँ तो अपने ध्यान से, मतलब सावधानी पूर्वक चलाएँ, क्योंकि अपना निडिल पोज वगैरह सारा ओके करके रख लें, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सके। अगर निडिल पोज आप लोग कभी नहीं हटाइएगा, क्योंकि कितने लोग क्या करते हैं कि निडिल पोज हटा देते हैं। यहाँ पर हमारा दोनों पीस देखिए बन रहा है, और इसमें हमने कटाई का फिटर नहीं लगाया हुआ, 2 ही फिटर दिख रहा है इधर, और इधर भी कोई कटाई का फिटर नहीं लगा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप बेड पर, कोई कटाई का फिटर नहीं लगा हुआ हमारा, बिना इसी में कटाई भी पड़ती है तो इसी में पल्ला भी बन जाता है। 2 कलर की पीस है तो हमने कटाई नहीं लगाया हुआ है, और इससे क्या होता है, फिटर की बचत भी हो जाती है और कटाई भी इसी में पड़ जाती है। तो ये ऐसे इसका प्रोसेस है, जो हम आप लोगों को यहाँ से बता भी दिए हैं और लगा के दिखा भी दिए हैं। और एक बात और बतानी थी आप लोगों को कि यहाँ इंटरवल के बाद हमें यहाँ पर 80 भरते हैं, 50 से ऊपर भरते हैं, तो 80 तक भरेंगे तो यहाँ पर हमें फिटर जो है, ये वाला, ये 5 नंबर फिटर यहाँ भी है, तो ये वाला फिटर यहाँ भी है, दोनों फिटर एक ही है, तो इस करके यहाँ दोनों फिटर उठा ले रही है। नहीं तो अगर कम गैप रहेगा तो यहाँ से फिटर उठा नहीं पाएगी और एक ही फिटर लेके जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है कि हमने ऐसे भर दिया है और कटाई लगाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी अलग से, तो हम वापस आ जाते हैं। और एक बात और बतानी है दोस्तों, यहाँ पर जो पब्लिक यार्न है ना, यहाँ पर अगर ओपन करेंगे तो वो फिटर उठाएगी नहीं, उधर वाला फिटर नहीं उठाएगी, सेकंड वाला, इस करके यहाँ पर इसको क्लोज रखना पड़ता है। तो ये बात ध्यान देने वाली बात कि पब्लिक यार्न हमेशा क्लोज रहेगा, तभी यहाँ पर ये फिटर उठाएगी, नहीं तो यही 5 नंबर वाला फिटर भी उधर ले जाएगी और यही कटाई पर उठा के ले जाएगी, जो एक ही लगेगा वही ले जाएगी और ही ले जाएगी। तो ध्यान रखिए, हमने आप लोगों को अटेंडम पीस कैसे लगाते हैं और डिजाइन कैसे, मशीन में पड़ी हुई डिज़ाइन को कैसे लोड कराते हैं और इसको कैसे हम लगा के, सारा कुछ प्रोसेस आप लोगों को बता दिए हैं। ये डिज़ाइन आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी,
या ये चीज़ आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो दोबारा करिएगा, हम दोबारा आपको रिपीट बता देंगे और अच्छे से इससे भी बेहतर समझाने की तो कोशिश किए हैं दोस्तों। वैसे हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर कट रहा था तो हम इसको क्या करते, थोड़ा सा ये फिटर हमारा दूर कट रहा है, इसको हम यहाँ पर कर देंगे और इसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे तो शायद ना कटे। तो अभी हम करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। अब देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर नहीं कट रहा है, अब हमारा यहाँ पर सही कपड़ा कट नहीं रहा, नहीं तो पहले क्या होता था यहाँ पर कट जाता था। तो अभी हमारा इधर का भी सही है, इधर का भी सही है और इधर का भी सही है और इस साइड का भी सही है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा फिटर यहाँ पर जो हमने लगाया था कटाई डाल रही है, वही कटाई भी है, वही मैचिंग का है। देखिए यहाँ पर एक फिटर बच गया, बाकी यही फिटर हमारा यहाँ कटाई डाल रहा है और यही हमारी मैचिंग में चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी और ये जानकारी यहीं तक की है, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आगे भी जो जानकारी आएगी हम आप लोगों को बताते रहेंगे।